और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पे गौतम बुद्ध नगर के एसपी ने चलाया ऑपरेशन क्लीन। वही शराब के ठेकों पर ओवर रेटिंग को लेकर चलाया गया अभियान। निर्धारित रेट से ऊपर दाम में शराब बेचने वाले ठेकों पे की जा रही है कार्रवाई। वहीं जनपद के 103 ठेकों के लाइसेंस की भी जांच की गई है। वहीं 51 ठेकों पे की गई एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई। आपको बता दें एसपी ने क्लीन ऑपरेशन अभियान चलाया है, जिसमें शराब के ठेकों पर ओवर रेटिंग को लेकर ये अभियान चलाया गया है। आपको बता दें ऐसे शराब के कई ठेके हैं जहां पे असल दामों से ज्यादा के दामों में शराब बेची जा रही है, जिसके खिलाफ एसपी ने ऑपरेशन क्लीन चलाया है। वही जनपद के 103 ठेके ऐसे सामने आए हैं जो बिना लाइसेंस के। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नरेंद्र ठाकुर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, एसपी ने ऑपरेशन क्लीन चलाया है, जिसके मद्देनजर कई ऐसे ठेके उन्होंने पकड़े हैं जहां पे बिना लाइसेंस के ओवर रेटिंग में शराब बेची जा रही थी, अब क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी ऐसी पूरा ये ऑपरेशन क्लीन 14 बीती रात करीब 10 बजे के करीब में ये ऑपरेशन क्लीन 14 चलाया गया है। इसमें करीब 103 ठेके हुए मॉडल शॉप जो बिना लाइसेंस, इनकी लाइसेंस की जांच की गई, जिन पर 51 जो ठेके और मॉडल शॉप थी वो जिनकी लाइसेंस के डेट एक्सपायरी हो गई थी, वो बिना उसके चल रहे थे, तो उनको सीज किया गया है। और 5 ऐसे ठेके को टारगेट बनाया गया जो की ओवर रेट से ज्यादा महंगी उसको शराब को बेच रहे थे, तो 5 ठेकों को सील किया गया है और 51 ठेकों की उनपे जांच बैठा दी गई है कि जो अवैध तरीके से जिनका लाइसेंस रद्द हो गया था उनको सबको जांच के घेरे में लेकर उनको उनसे आख्या मांगी गई है कि आपने अब तक क्यों अपना लाइसेंस जो है रिन्यू क्यों नहीं करवाया, क्या कारण रहा, आप उस चीज का संज्ञान ले, नहीं तो 51 की 51 दुकान एसएसपी के आदेश और एक्साइज डिपार्टमेंट के माध्यम से इनको भी बंद करने का आदेश दिया गया है। जी नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे ठेकेदारों से जब पूछताछ की गई उनका क्या कुछ कहना है इस विषय में? इस मामले में अभी जो 51 जो ऐसे शराब के ठेके मालिक हैं उनसे बात की गई है, तो उन्होंने बताया है कि हमारे जो दुकानदार जिनको हमने दुकान रेंट पे दे रखे हैं उन्होंने हमको अवगत नहीं कराया इस बारे में कि हमारा लाइसेंस रिन्यू कब कराना है। उसके बीच में कुछ मतलब उन्होंने यही बताया है कि अब हम प्रशासन से और माननीय भारत योगी सरकार के से गुहार लगाएंगे कि जल्द से जल्द हमारे ये जो लाइसेंस जो ठेके बंद करने की एसएसपी जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है, जल्द से जल्द इसको हटाया जाए क्योंकि जो गलती हुई है हम उसको आगे से नहीं दोहराएंगे। इस चीज को लेकर अभी ठेके मालिक अड़े हुए हैं। जी नरेंद्र हमारे साथ।